गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, किवें तुसीं सारे। अज है 29 अक्तूबर ते मैं हाँ अमित ते सब दा इस चैनल दे उत्ते पाठशाला ते बहुत बहुत स्वागत है। सो जिहड़े बच्चे पहली बारी आए ने उन्हां नूं दस दईए कि असीं डेली करंट अफेयर दीआं क्लासेस जिहड़ी मॉर्निंग 7 बजे लैंदे हां ते आपां रोज़ दीआं ही जिहड़ियां न्यूज़ ने इंपोर्टेंट न्यूज़ उन्हां नूं डिस्कस करदे हां। तां जिन्ने बच्चे रोज़ जुड़दे ने उन्हां दा बहुत बहुत स्वागत है ते बहुत बहुत धन्नवाद है। थैंक यू सो मच जिहड़े तुसीं इन्ना काबिल समझदे हो कि तुसीं बहुत वधिया तरीके पढ़ते हो। तो यह जो करंट अफेयर्स ने जिन्नियां पोस्टां इत्थे लिखिया ने इस तो बहुत ज़्यादा कितने ज़्यादा मतलब कि ऑल गवर्नमेंट एग्जाम वास्ते इंपोर्टेंट होंगे ने, तो वही ही करना कितने कितने बहुत ज़्यादा बेनीफिशियल होंगे। जिहड़े बच्चे 6 मंथ्स का कोर्स लेंदे ने कि 6 मंथ्स की तैयारी कर लेंगे जी करंट अफेयर बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएंगे, लेकिन मैं कहना कि डेली करंट अफेयर तो बाद जब तुसी 6 मंथ की तैयारी करोगे तो रिवाइज कर लोगे पूरे पूरे करंट अफेयर में, तो ये चीज़ा थोड़े लिए जरूरी ने। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं अज का जोड़ा टाइम ना वेस्ट करते हुए मोटिवेशन कोड का। सो मोटिवेशन कोड हैगा जी डोंट टॉक जस्ट एक्ट, डोंट से जस्ट शो, डोंट प्रोमिस जस्ट प्रूव। तो सिंपल जी गल कही है कि ज़्यादा गल्ला ना मारो चक लो फटे, डोंट से ज़्यादा किसी कहो ना, बस शो करो दिखाओ करके, प्रोमिस प्रोमिस ना करो हमेशा प्रूव करो, लोगों साबित करो कि तुम कुछ कर सकते हो। बस यही चीज़ जी है, यही जज्बा है थोड़े अंदर होना चाहिए है किसी भी पेपर को क्रैक करन दा, चाहे जिंदगी दे विच। मोटिवेशन जरूरी नहीं हुंदा कि हमेशा, देखो सीधी गल तो समझाना 100% दे विचों सिर्फ ते सिर्फ 2 तो लैके 5% बच्चे ही जिहड़े ने पेपर को क्रैक करदे ने, तां तुसीं उहनां च शामिल हो सकते हो, बहुत वधिया गल है। लेकिन जिहड़ा फेलियर है ना, फेलियर 85 to 95% तक जिन्ने बच्चे ने है ना जिहड़े बहुत ज़्यादा घट नंबरों तो पिछे रहिंदे ने, तां उहनां नूं गल्लां सोचणियां चाहीदियां ने, बहुत कुछ कर सकते हैं लाइफ दे विच, तुसीं भी बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक है, तो सब तो पहला प्रॉब्लम अपनी इत्थे है जिहड़ी, इहनूं सॉल्व करन दी, फिर उस तो बाद इहनूं सॉल्व कर दी, अपने अंदर नैगेटिविटी नूं खत्म कर दो, पॉजिटिव नूं लैके आओ, जिंदाबाद जिंदगी। राइट, चलो नेक्स्ट गल करते हैं। आर्मी सैलीब्रेट शौर्य, बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, शौर्य दिवस मनाया कश्मीर विच फौजां ने उतरण दी निशानदेही 1947 जदों देश आजाद हो रहा सी, तां हरी सिंह जिहड़ा सीगे उत्थों दे राजे, तां ओह आजाद नहीं होना चाहते सी। ठीक है, ओह कंट्रोल करना चाहते सी, ओह इंडिया दा पार्ट नहीं होना चाहते सी, बट उस तो बाद की होया, पाकिस्तान ने उन्हां ते अटैक किया या कवर करन दी कोशिश की, लेकिन अपनी इंडियन आर्मी ने उत्थे जाके झंडा अपना गढ़ता कि साडा इंडिया है। ठीक है, सो कश्मीर का वो पार्ट जिथे उत्ते आर्मी ने कंट्रोल किया सी, उसे दिन नूं याद रखने वास्ते किहड़ा दिन मनाया जाता है जी, शौर्य दिवस मनाया जाता। चलो पढ़ते हैं, थोड़ा जहा इंपोर्टेंट कंसैप्ट है। 27 अक्टूबर नूं मनाया जाता जी शौर्य दिवस, टू शौर्य टू मार्क द 76th ईयर ऑफ लैंडिंग ऑफ फोर्सेज इन द कश्मीर विच इंश्योर द फर्स्ट सिविल मिलिट्री विक्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पहली विक्ट्री सी जी इंडिपेंडेंट इंडिया की, आजादी तो बाद दी जे ये पहली लड़ाई, पहली विक्ट्री होगी और मिलिट्री की विक्ट्री होगी। तो इंडियन आर्मी ट्रूप्स लैंडेड एट द बदगाम एयरपोर्ट टू अविक्ट द पाकिस्तानी फोर्सेज फ्रॉम द जम्मू एंड कश्मीर अ डे आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन वाज साइन बिटवीन द महाराजा हरी सिंह एंड रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट गल होगी, महाराजा हरी सिंह का नाम तुम्हें याद रखना ये। ठीक है जी, तो यही चीज़ मैं पंजाबी समझा दी है, थोड़ा थोड़े सामने लिखी है तो तुम बहुत ईजीली समझ सकते हो इस चीज़ को। चलते हैं नैक्सट गलते चलते हैं जी, ईयू एंड इंडिया। ईयू की चीज़ है जी यूरोपियन यूनियन, तो इंडिया जी है दोनों ने की कराया है ज्वाइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज, कितने हुई है जी गल्फ ऑफ गुनिया, कितने है जी गल्फ ऑफ गुनिया तुम कमेंट सैक्शन जरूर दसना। ठीक है, आइडिया लेके दसो जी। तो उस तो बाद आ गया यूरोपी संघ, यूरोपी संघ तो भारतीय गिनी की खाड़ी विच संयुक्त समुद्री अभ्यास करनगे। ठीक है, सो केड़ा अभ्यास है समुद्री अभ्यास, कदों तो स्टार्ट होया सी जी, 5 अक्टूबर तो बाद, डायलॉग तो बाद जस्ट स्टार्ट हो गया सी ब्रूसल दे विच। तां इस एक्सरसाइज होया की सी, इंडिया दी नेवी दा जिहड़ा नाम सीगा इंडियन नेवी INS जिहड़ा आपां गल करदे हां, इंडियन नैविगेशन सिस्टम जिहड़ा गल करदे हां शिप सॉरी, तां ओह केड़ी सी जी सुमेधा सी, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया सुमेधा नाम याद रखना। एंड ऑफशोर पेट्रोल वैसल वाज जॉइंड बाय 3 EU member stateships in the Gulf of Guinea. ठीक है, गिनी। तो the navy's practices series of tactical
मोनिया वर्ड्स इन द इंटरनेशनल वाटर। सो इंटरनेशनल दे विच उन्होंने बहुत टेक्निकल चीज़ा करिया इंक्लूडिंग अ बोर्डिंग एंड फ्लाइंग एक्सरसाइज यूजिंग द हैलीकॉप्टर। तो हैलीकॉप्टर के द्वारा उन्होंने काफ़ी अभ्यास किए युद्ध के चीज़ा जड़िया होंगे ना अभ्यास ही करते हैं। इसी एक्सरसाइज बोलते हैं, ठीक है। कोई कसरत नहीं हैगी, हुंदी कसरत ही है, एक तरीके की हुंदी कसरत ही है बेटा, लेकिन एक नूं आपां अभ्यास कहांगे। अभ्यास कहने का मतलब दोनों की ट्रेनिंग हो रही है कि किवें उन्होंने कल इन फ्यूचर कल नूं कोई लड़ाई हो जाए तो आपां किवें करना है, एक दूजे का साथ देना है, ठीक है। तो बहुत चीज़ा इंपोर्टेंट होंदियां। अंतरराष्ट्रीय लैवल से कहने का मतलब अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल लैवल उत्ते ये गल्लां होंदियां ने बहुत ज़्यादा थोड़े लिए इंपोर्टेंट होंदियां ने जाननियां। शीतल देवी ते राकेश कुमार की जे आपां गल करिए तो दोनों ने जी गोल्ड जितया, सोना गोल्ड मैडल जितया जी आ चीज़ के तीरअंदाजी के, ठीक है। एशियन पैरा गेम्स, और तुहानू पता है कि गेम्स चल रही तो वो आप गल करते हैं एशियन गेम के पैरा गेम्स ने जिहड़ियां वो तुहाडे लई इंपोर्टेंट। देखो तुहानू पता है ना कि हैंडीकैप बंदे वास्ते गेम्स होंदियां ने और हो कित्थे रही ने, चाइना च हो रही ने, है ना जी। तो शीतल देवी एंड राकेश कुमार ने गोल्ड जित लिया जी एशियन पैरा गेम के, इंपोर्टेंट है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उन्होंने दोनों को कंग्रैचुलेट किया, राकेश कुमार ते शीतल देवी नू। कितने गेम्स हो रही ने, चाइना के, शीतल देवी 16 साल के ने एंड वॉन 3 मैडल इनकलूडिंग 2 गोल्ड इन एशियन गेम्स, एंड 16 साल ओल्ड शीतल देवी यूज हर लैग्स टू एम द शूट द एरो, अपन लत्तां जिहड़ियां ने वह यूज़ करते हैं। राकेश कुमार जिहड़े हैगे ने जम्मू तो बिलोंग करते हैं एंड लॉन सर्वाइवर ऑफ रोड एक्सीडेंट हो गया इन्हों का, जिन्हों करके परमानेंट व्हील चेयर ते ने। तुसीं पिक्चर आ जिहड़ी वह देख चुके हो, है ना, पिक्चर दोनों की देख चुके हो, तो इतने ये अपना हाथ यूज़ नहीं कर रहे, ठीक है, तुम देख सकते हो। तो इतने ये अपन लैग्स ने जड़िया यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि व्हील चेयर के उत्ते हैं, ठीक है। तो बहुत वड्डी गल हुंदी है, आप कहने कि अपने हाथ नहीं है, अपन बाहां नहीं है, अपना सब कुछ हैगा, इन्हों का नहीं है सारा कुछ, है ना, लेकिन की आ फिर भी इन्होंने देखो झंडे कड़े हुए हैं, गोल्ड जित रखे, तो दुनिया से बहुत कुछ हो सकता है ना। देखो अगे गल करते हैं ICG, ICG की है गल करांगे, कनक्लेव 2023 हेल्ड इन न्यू दिल्ली। सो न्यू दिल्ली के इन्होंने सबॉर्डिनेट जड़ा है ऑफिसर कनक्लेव जड़ा है वह हेल्ड किया है, आयोजित किया है। की है जी ICG, इंडियन कोस्टल गार्ड। तो इंडियन कोस्टल गार्ड जोड़े है वो सबऑर्डिनेट फोर्सिस कनक्लेव वाज ऑर्गेनाइज इन नवी दिल्ली के 26-27 अक्टूबर में होया सी। इहदी थीम जी सी की सी जी टूवर्ड एन इनकलूसिव अप्रोच, समूहक पहुंच वल। इट कंप्राइजेस वेरियस ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन, ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन एंड द लेक्चर्स हुए उत्थे बहुत IT डिपार्टमेंट, हेल्थ, HR, लीडरशिप, मीडिया सेंसेशन दे टाइप दे बहुत सारे लेक्चर्स हुए जिथे बहुत सारिया गल्लां बातां कीतियां गईयां ICG द्वारा इंडियन कोस्टल गार्ड, ठीक है। अगे अगे जी सिमरन वेट्स, इंपोर्टेंट है, सिमरन जिहड़ी वत्स है इन्हें सिल्वर जितया जी मैडम ने, तो वूमेन 200 मीटर के एशियन गेम के नाम दर्ज करा लिया सिल्वर जितने का, ठीक है। इन्हों बारे भी चर्चा कर लें, सिमरन जिहड़े ने उन्होंने सैकेंड नंबर पर फिनिश की है जी 26.12 सैकेंड के उत्ते रेस, तो इन्होंने जी अपना सिल्वर जितया। तो शी फिनिश्ड बिहाइंड ईरान हैगर्स हू क्लॉक द टाइमिंग ऑफ 25.87। तो पहले नंबर पर जी सफदर जादे आ गया, तो ब्रॉन्ज जिहड़ा जितया है वह चाइना के बंदे ने जितया है, ठीक है, याकिन शैन, राइट। ये चीज़ थोड़े लिए ध्यान रखनी है, सिमरन वत्स तुसी नाम याद रखना। अगे आ गया जी शूटिंग। सो शूटिंग दे विच एशियन शूटिंग चैंपियनशिप जिहड़ा है, एशियन शूटिंग चैंपियनशिप भी चल रही है, अर्जुन बबूता एंड तिलोतामा सेन इन्होंने सिल्वर जितया जी, अर्जुन ने ते तिलोतामा। सो तिलोतामा ये नाम तुसी याद रखना है, होंगे अजीब ने लेकिन इंडियन ने, ये चीज़ दे तुसी ध्यान रखियो। तो इंडियन शूटर ने जिहड़े अर्जुन बबूता क्लिंजर सिल्वर मैडल इन द मैंस 10 मीटर राइफल इवेंट अलोंग विद द इंश्योरिंग पेरिस ओलंपिक कोटा प्लेस फॉर द कंट्रीज अनगिंग एशियन गेम्स इन कोरिया। सो एशियन चैंपियनशिप कितने हो रही ने जी, कोरिया के हो रही ने। तो अगे आप गल करते हाँ तिलोतमा, तो तिलोतमा सेन वाजा इन्होंने वूमेन के जितया जी, ठीक है, जिहड़िया पेरिस ओलंपिक कोटा फॉर द इंडिया वास्ते इन्होंने पेरिस ओलंपिक कोटे के दखला हो चुका है, ठीक है। अगे आ गई अपनी बुलेट न्यूज़। सो बुलेट न्यूज़ अज के टाइम के थोड़ी जी अब आप कर रहे हैं कि गेम्स में लेके कर रहे हैं, लेकिन वो जी चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगे मैं तुम्हें वो भी दसता रहूँगा दान बिल्कुल। तो बस तुम देखते रहो सारिया वीडियोज़ में, है ना।
सो एशियन पैरा गेम जिहड़ियां हैगे ने मनीष मनदीप इन्हां दोनों ने की जितया जी ब्रॉन्ज जितया जी वूमेन बैडमिंटन दे विच। एशियन गेम दे विच शिवराजन श्री कृष्ण सॉरी कृष्ण नगर नागर वॉन द ब्रॉन्ज इन बैडमिंटन जितया जी। एशियन पैरा गेम्स दे विच प्रमोद भगत सुकंत कदमुआ इन्होंने की जितया जी ब्रॉन्ज जितया जी बैडमिंटन। ठीक है तो थोड़े जे इन्हों का ईवेंट्स अलग अलग होंगे ना ये ध्यान रखना, इन्होंने बस ये बैडमिंटन जितया ये तुम याद रखना। ईवेंट का नाम अलग है, वूमेन डबल है, मैनज डबल है ना, मैनज डबल है तो इधर चीज़ा होंगे ने, तो यह चीज़ तुम्हें याद रखनी है, इन्हों के नाम तुम्हें याद रखने। बुलेट न्यूज़ के तो बाद आ गए एम सी क्यू की वारी। सो एम सी क्यू के पहला एम सी क्यू आ गया जी थोड़ा, अशोक वासवानी किस बैंक का नवा प्रधान प्रबंध निर्देशक मुख्य कार्यकारी अधिकारी वालों नियुक्त किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोटेक महिंद्रा बैंक, एच डी एफ सी बैंक या फिर आई सी आई सी बैंक। तो आंसर आ गया जी बी ऑप्शन, मतलब कि कोटेक महिंद्रा बैंक। सो अशोक वसवानी, अशोक वसवानी का नाम तुम याद रखना जी, नाम याद रखने कोटेक महिंद्रा का, इन्हों का एम डी बनाता इन्हों सीईओ बनाता, राइट। उस तो बाद आ गया वैन इज़ द वर्ल्ड डिवेलपमेंट इनफॉर्मेशन डे सैलीब्रेटिड, तो जोड़ा वर्ल्ड डिवेलपमेंट इनफॉर्मेशन डे है जोड़ा जी ये कदों सैलीब्रेट किया जाता, तो ऑप्शन आ गए थोड़े सामने, अक्तूबर 22, अक्तूबर 24, अक्तूबर 27 या फिर अक्तूबर 30। तो आंसर की आजगा जी ये बन के अक्तूबर 24, अक्तूबर 24 में ही मनाया जाता है वर्ल्ड डिवेलपमेंट इनफॉर्मेशन डे। ठीक है जी, 24 अक्तूबर को मनाया जाता है विश्व विकास सूचना दिवस, विश्व विकास सूचना दिवस। ठीक है जी, तो यह चीज़ तुम्हें याद रखनी है, अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने की लोड़ वाल दुनिया का ध्यान खिंचता है यह दिन। ठीक है, यह दिन संयुक्त राष्ट्र दिवस के नाल मेल खाता है, उस दिन की याद में मनाया जाता है जब संयुक्त राष्ट्र ने 1945 काम करना स्टार्ट किया। 24 अक्टूबर की डेट फिर से इंपॉर्टेंट होगी थोड़े। अगे गल करते हैं जी क्वेश्चन ऑफ द डे, ये अंकल जी बई जी खड़े ने कहते जी क्वेश्चन पाओ जी की होगा जी। देखो जी सोचो तुम इन्हें वागू कि गोमती ते घग्गर, गोमती ते घग्गर जिहड़ियां रिवर्स ने नदियां ने ये फ्लो ये किहड़ी स्टेट या किहड़ी यूटी दे विच फ्लो करदियां ने या वगदियां ने, तुसीं सब ने आंसर जिहड़ा कमेंट सैक्शन च जरूर देना जी। एंड आई होप जिहड़े इन बिटवीन मैं क्वेश्चन पुछिया उहदा आंसर भी तुसीं जरूर दोगे। एंड लास्ट से देखने लिए बहुत बहुत धन्यवाद सब का, थैंक यू सो मच। तो बेटा जिहड़े बच्चे पहली बार चैनल पर आए हैं प्लीज़ चैनल सबसक्राइब कर लियो, बैल आइकन जरूर प्रेस कर लियो। हाँ जी इंस्टाग्राम एंड टैलीग्राम चैनल में ज्वाइन करना ना भूलना, क्योंकि उत्थे ही थोड़ा मिलेगी जी PDF। तो ध्यान पाठशाला ट्रांसफॉर्मिंग फ्यूचर के नाम के उत्ते साडा बनया हुआ है जी PDF चैनल की, सॉरी टेलीग्राम चैनल। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस, बाय बाय, टेक केयर, वाहेगुरु सब नूं तरक्की दे, बहुत जल्दी जल्दी सफलता मिल जाए सब नूं, एंड सब का पेपर बहुत वधिया तरीके नाल ते वधिया क्लीयर हो गए। ठीक है, बहुत सोहना, सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।